अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि क्या वजह हुई कि 80 से ज़्यादा जो पिछली पार्लियामेंट के मेंबर थे, अरकान पार्लियामेंट थे, वो अब अगली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसा क्या हुआ है, वो क्या वजूहात हैं कि ये सब लोग जो हैं वो इलेक्शन से पहले ही अगली पार्लियामेंट के जो है उससे बाहर होते नज़र आते हैं और वो उसका हिस्सा बनते नज़र नहीं आ रहे। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इनमें तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक है और दीगर जो जमातें हैं उनसे भी उनका ताल्लुक है। तो ये आखिर क्या वजह है कि ये लोग पार्लियामेंट से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस मौजू पे बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और मौजूद अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। अब तक नाज़रीन कागजात नामजदगी जमा हो चुके, जांच पड़ताल का अमल जारी है, कल जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जो फैसले महफूज किए हुए हैं कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के हवाले से वो कल शाम तक सामने आ जाएंगे, वाज़ेह हो जाएगा कि किसके कागजात मंजूर हुए, किसके मुस्तरद हुए। उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तो लोगों को होगी कि क्या इमरान खान साहब के मियाँ वाली से और लाहौर के हल्का N-122 और जो मियांवाली का हल्का है वहाँ से क्या इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर होंगे या मुस्तरद होंगे, ये अभी कल पता चल जाएगा, कल दोनों के ऊपर फैसला आ जाएगा। इसी तरह N-127 जो लाहौर है वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी के इतराज़ात हैं उसका भी फैसला पता चल जाएगा कि मंजूर होते हैं या मुस्तरद होते हैं, क्या होता है और फिर आगे क्या होता है। तो अब सूरत हाल ये बन गई है, अब ये वाजे हो गया कि कुछ नुमाया लोग जो पिछली पार्लियामेंट का हिस्सा थे और वो कई पार्लियामेंट्स का हिस्सा रहे हैं वो अगली पार्लियामेंट में नहीं होंगे। इलेक्शन के अमल से पहले ही ये बात अब वाजे हो गई है। इसका हार जीत से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इस बात से है कि कुछ लोगों ने, कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस ने इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। इस दफा वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। उनमें एक तो सबसे नुमाया जो शख्सियत है वो हैं जनाब साबिक वज़ीरे आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, 6 मरतबा रुकने पार्लियामेंट बनने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब। मरी से मुंतखब होते रहे, पिछली दफ़ा 2018 में हार गए थे, ये पहला मौका नहीं था हारे, 2002 में भी वो हार गए थे। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा सत्ती से वो 2002 में इलेक्शन हारे थे, उसके बाद फिर वो 8-13 दो इलेक्शन जीते, फिर वो जो है वो 18 का इलेक्शन सदाकत अब्बासी से हार गए। इस दफ़ा उन्होंने फैसला किया कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करें, नून लीग छोड़ गए हैं वो, नून लीग के उम्मीदवार की उन्होंने कहा मैं हमायत नहीं करूंगा, लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे बल्कि वो इस दफ़ा खामोशी से इलेक्शन देखेंगे कि क्या हो रहा है। उनका ये ख्याल है कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि होना आना कुछ नहीं है, ये खाम खा की एक फजूल एक्सरसाइज है, तो वो इसका हिस्सा बनने पर आमादा नज़र नहीं आते, ये उनका बहुत मौका है। इसी तरह इस हल्के से सदाकत अब्बासी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, पहली दफ़ा 2018 में वो मुंतखब हुए थे, 13 में वो शाहिद खाकान अब्बासी से हार गए थे, 2018 में जीत गए थे, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को हरा दिया था। उन्होंने भी फैसला किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने सियासत छोड़ दी है। वो तहरीक इंसाफ में थे, फिर 9 मई के वाकयात हुए, उसके बाद फिर वो अचानक मंजर आम से गायब हुए, वापस आए और फिर उन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। उन्होंने भी कागजात से नामजदगी जमा नहीं कराई, वो इलेक्शन नहीं लड़े। इसी तरह रहीम यार खान के हल्का है N-171, वहाँ से मखदूम खुसरो बख्तियार जो 2002 से लगातार पार्लियामेंट का हिस्सा थे, लगातार इलेक्शन जीतते आ रहे थे, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो भी उन्होंने भी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, तो वो भी अगली पार्लियामेंट में हमें नज़र नहीं आएंगे। इस दौरान पहले वो काफ लीग में थे, फिर नून में आए, फिर वो तहरीक इंसाफ में आए, तो अब वो कहीं नहीं है, अब वो इलेक्शन नहीं लड़े। उनके छोटे भाई बता इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से, अपना ग्रुप बना के मखदूम ग्रुप का जो है उसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं मखदूम खुसरो बख्तियार। इसी तरह फैसलाबाद से एक अहम फैमिली है, चौधरी नज़ीर फैमिली। चौधरी नज़ीर फैमिली के अहम तरीन रुकन चौधरी आसम नज़ीर जो हैं वो हल्का N-95 से पिछली दफ़ा MLA मुंतखब हुए थे, उससे पहले भी वो मुतअद्दद मरतबा मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने भी इस दफ़ा फैसला किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, तो वो भी हमें पार्लियामेंट के अंदर नज़र नहीं आएंगे, अगले सेटअप में अगली पार्लियामेंट का हिस्सा वो नहीं होंगे।
इसके अलावा जो है वो राजनपुर से सरदार रियाज मुजारी, वो भी इलेक्शन ही लड़े, उन्होंने भी फैसला किया कि वो इलेक्शन कंटेस्ट से सफा नहीं करेंगे, तो इस वजह से वो भी हमें अगली जो पार्लियामेंट है उसका हिस्सा बनते नजर नहीं आएंगे, वो इलेक्शन के अमल से पहले ही बाहर हो गए हैं इलेक्शन से, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट ना करने का जो है वो फैसला किया। इसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ के कराची के 3 मेन लीडर्स थे पिछली दफ़ा 2013 से, बल्कि शुरू से इमरान खान साहब थे, जिसमें अली जैदी थे, फेडरल मिनिस्टर थे पोर्ट एंड शिपिंग के, वो इलेक्शन ही लड़ रहे, बिल्कुल गायब हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं होंगे अगली, ये जीते पहली दफ़ा ही थे सारे, 2018 में जीते थे, इमरान इस्माइल जो सबक गवर्नर सिंध हैं, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे और बड़ा मशहूर गाना वो गाते थे कि रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रहे, अब वो तब्दीली समेत कहीं गायब है, आईपीपी का हिस्सा थे लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो भी अगली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह फैसल वाडा अभी भी टीवी में नज़र आते हैं, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे कराची से, 2018 में जीते थे, उनके इलेक्शन के ऊपर बहुत से शकूक व शुबात थे, शहबाज शबीर साहब को उन्होंने हराया था, तो उनके इलेक्शन के हवाले से बहुत शकूक व शुबात थे, तो बहरहाल वो भी अगले जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगे, वो भी पार्लियामेंट से जो है वो बाहर हो चुके हैं। इस तरह और भी कुछ नाम हैं जो शायद कुछ लोगों को तो टिकट नहीं मिलेगा, तो वो इलेक्शन लड़ने की वजह से इलेक्शन लड़ के हार जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये वो शख्सियात हैं जो कि इलेक्शन के प्रोसेस से पहले ही जिन्होंने ये तय कर लिया कि हम इस इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, हम इस इलेक्शन में जो वो है हिस्सा नहीं लेते और हम बाहर बैठ के इस दफा देखेंगे कि ये क्या सारा मामला होता है, किस तरीके के साथ इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, बाकी जो हैं वो ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो ताकतवर उम्मीदवार हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं, वो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इसी तरह मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी बहुत सारी खवातीन हैं जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे जो है वो मुंतखब हुई थी, उनके कोटे में मुंतखब हुई थी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, वो शायद इस दफ़ा पार्लियामेंट का हिस्सा ना हो, जिसमें बहुत नुमायाँ थी मलाइका बुखारी जो बहुत वोकल थी, बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पे नज़र आती थी, टीवी स्क्रीन पे पीटीआई का भरपूर दिफा करती थी, इमरान खान का भरपूर दिफा करती थी, वो क्योंकि सियासत छोड़ गई हैं तो वो अब पोलिटिकल इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं है, वो भी नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह आलिया हमज़ा के बारे में भी कन्फर्म नहीं है, उनके कागजात तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों में गालबन जमा कराए हैं, तहरीक साहब ने जो खवातीन की तरजीही लिस्ट दी उसमें उनका नाम है, लेकिन अभी वाजे नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगी कि नहीं। इसके अलावा और भी कमल शोजब मखसूस नशिस्तों भी आई थी, अब वो मुल्क से बाहर हैं 9 मई के वाकयात में के बाद से वो पाकिस्तान से चली गई, तशरीफ ले गई, वो भी नज़र नहीं आ रही, वो भी अगली पार्लियामेंट में जो है वो मौजूद नहीं होंगी। इस तरह और बहुत सारी MPAs और MNAs जो मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत के आई थी, वो इस दफ़ा अगली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगी। अंजलि बबास अब IPP में है, अब ये वाजे नहीं है कि क्या IPP इतनी सीटें जीत पाएगी कि वो अगली पार्लियामेंट के अंदर वो आ सके। ये तो 80 के करीब साबक अरकान पार्लियामेंट हैं जो कि अगली पार्लियामेंट में का हिस्सा नहीं होंगे, उसमें नज़र नहीं आएंगे। उसमें मुस्लिम लीग नून की भी कुछ मखसूस नशस्तों पर खवातीन है, मसलन तहमीना जुल्ताना इलेक्शन नहीं लड़ रही, पहला मौका है तभी अरसे के बाद के वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, कागजात जमा नहीं कराए, वो भी नहीं होंगी। मखसूस नशस्तों पर उन्होंने अप्लाई किया था, उनके बारे में मुतदाद इतलात हैं, कुछ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं मखसूस नशस्तों पर वफा जो है वो कौमी असम्बली के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको तीसरे नंबर पर तरजीही बुनियादों पर तीसरे नंबर पर कर दिया है पंजाब असम्बली के लिए कि जो फहरिस्त है उसमें। अब हो सकता है वो दोनों तरफ हो, वहाँ उनका नंबर पीछे हो यहाँ आगे हो, तो ये अब देखना होगा कि ये क्या वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन पाती है, इनमें अभी तक ये इतलात यही है कि वो शायद पार्लियामेंट का हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि वो एक दो दफ़ा माजी में इलेक्शन हारी भी हैं तो मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होकर वो आ जाती थी, पार्लियामेंट का हिस्सा रही हैं तो वो भी शायद इस दफ़ा नज़र ना। इसी तरह डॉक्टर शीरी मजारी भी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नज़र ना आए, वो 2013 में मखसूस नशस्तों पर आई थी, अब वो शायद अब वो इलेक्शन ही लड़ी, उन्होंने कागजात ही जमा नहीं करवाए। तो इस तरह ये बहुत सारी खवातीन थी जो बहुत एक्टिव थी तहरीक इंसाफ की। इस तरह मुस्लिम लीग नून की भी 2-3 खवातीन के बारे में ये कहा जा रहा है जो बहुत एक्टिव थी, मायजा गुजर हैं, इस तरह और हैं कि उन्होंने ये वो अब इस दफ़ा पार्लियामेंट का नई जो पार्लियामेंट आएगी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वो उसका हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो इलेक्शन ही
उन्होंने कागजात जमा नहीं कराए या उनकी पार्टी ने उनको जो है वो टिकट नहीं दिया। तो ये लेकिन जहां ये 80 लोग बाहर होंगे वहां पर इम्कान है कि पिछली दफा फजल रहमान साहब हिस्सा नहीं थे पार्लियामेंट का, अब गालिब इम्कान है कि वो अगली पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएंगे। मियां नवाज शरीफ पिछली दफा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे, उनके बारे में गालिब इम्कान ये है कि वो अगली पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे इलेक्शन जीतने के बाद। इसी तरह जो जहांगीर तरीन थे वो पार्लियामेंट में नहीं आ सके थे, तो अब उम्मीद है हो सकती है अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं मुल्तान से या लोधरा से तो वो आ जाए। तो इस तरह से जो लोग पिछली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो बहुत सारे उन्होंने पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था जीता था अब वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो ये सियासत में सब कुछ होता है, इंतखाबी सियासत हो पाकिस्तान की खास तौर पर सियासत में, जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है बाज़ अवक़ात कि आज ये हो रहा है तो कल क्या होगा, कल हो सकता है परसों उससे भी बिल्कुल सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाए। तो ये बहरहाल सूरत हाल है कि ये लोग जो हैं 80 के करीब, जिसमें मैंने कुछ नुमाया लोगों के नाम आपको बताए, कुछ बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं है, लेकिन 80 लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़े बगैर ही अगली पार्लियामेंट से बाहर हो गए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।